नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रश्मि पांडे और आप देख रही हैं न्यूज 30 एक्सप्रेस। देश विदेश से खेल मनोरंजन और राजनीति जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 30 एक्सप्रेस। झांसी के मोट में गरीबों की मदद करने वाले अजीबो गरीब मसीहा सामने आए हैं, जिसमें उन्होंने गरीब और असहाय लोगों को राशन सामग्री पहुंचाने का काम किया है। वहीं गरीबों को राशन सामग्री देने वाले वह मसीहा हैं जिन्होंने कुछ नए अंदाज में गरीबों की मदद की। उन्होंने कहा कि किसी गरीब की मदद करने के समय गरीब का मजाक नहीं बनाना चाहिए, इसलिए किसी भी गरीब का चेहरा लोग ना देखें और ना ही किसी गरीब का किसी भी प्रकार से मजाक बने। वहीं उन्होंने गरीबों को राशन सामग्री पहुंचाते हुए कहा कि कोई भी नगर में अगर भूखा है तो वह तुरंत हमसे संपर्क करके जानकारी दे सकता है। हम उसकी हर संभव मदद करने के लिए तत्पर खड़े हैं, क्योंकि हमारे नगर में रहने वाले लोग कहीं ना कहीं हमारे नगर के हमारे परिवार का ही एक हिस्सा है और हमारे परिवार का कोई भी भूखा रहे हम यह नहीं देख सकते। वहीं उन्होंने सभी के हाथों को सैनिटाइज कराते हुए राशन सामग्री वितरण की। राशन सामग्री वितरण के दौरान गरीबों को राशन देने वाले हाथ दिखे और लेने वाले भी हाथ दिखे, नहीं दिखा तो वह था चेहरा, क्योंकि गरीबों के मसीहा ने कह रखा था कि भले ही आप न्यूज बना सकते हैं लेकिन किसी भी गरीब का चेहरा आपके कैमरे में नहीं आना चाहिए। फिलहाल अब हम आपको उस मसीहा से मिलाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं नगर चेयरमैन अनिरुद्ध कुमार यादव की, जो कि इस वैश्विक महामारी के बीच लगातार गरीबों की मदद करते चले आ रही हैं। और आज भी उन्हें किसी न्यूज़पेपर के माध्यम से सूचना मिली कि यहाँ पर गरीब भूखे हैं, तो उन्होंने तुरंत राशन सामग्री की व्यवस्था की और गरीबों के घर घर राशन सामग्री पहुँचाने का काम किया। वैश्विक महामारी को देखते हुए हमारे देश में इस समय लॉकडाउन है। लॉकडाउन में हमारे नगर में लोपीटा समाज के लोग जो जीवन यापन करते हैं, सड़क पर अपना रहते हैं झोपड़ियों में, इनको देखते हुए इन लोगों के पास राशन सामग्री की आवश्यकता थी। इसको देखते हुए हम लोगों ने अपना कर्तव्य देखते हुए सभी लोगों के आशीर्वाद से, सभी नगर के लोगों के सहयोग से, हम तो एक छोटे से जनप्रतिनिधि हैं, सरकार द्वारा हर प्रयास किया जा रहा है, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा हर संभव कोशिश की जा रही है कि हमारे देश में महामारी किसी तरह कम हो, उस पर संक्रमण पर रोक लगे, हर प्रयास किए जा रहे हैं। इसको देखते हुए इस समय हमारे लोपीटा समाज के लोग ये मजदूरी वर्ग नहीं कर पा रहे हैं, समय अपने झोपड़ियों में रह रहे हैं, तो उनको देखते हुए हम लोगों ने राशन सामग्री किट वितरित किए हैं सभी लोगों को। और हम लोगों ने ये कहा है, ये सभी का कर्तव्य है कि जहाँ भी असहाय गरीब लोग हों, सड़क पर हो या गांव देहात में हो, ये आप लोग मदद करें। ऐसे समय जरूर लोगों की मदद करना चाहिए, मैं तो सभी लोगों से अपील करता हूँ। मुझे अखबार द्वारा सूचना मिली है कि इन लोगों के पास राशन सामग्री की कमी आ गई है, इसको देखते हुए मुझे सूचना मिली तो हम लोग वहाँ पहुँचे, हम लोगों ने उनको राशन पानी वितरित किया और लोगों को आश्वासन दिया कहीं भी किसी को कोई कमी नहीं आई। हम लोगों का कर्तव्य है कि नगर में हमारे ऐसे लोग कहीं भूखे ना रहें, हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं हमारे नगर में सभी लोग सहयोग देते रहें, एक दूसरे की मदद करते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा हर प्रयास किया जा रहा है कि हमारे देश में अच्छी संक्रमण की रोक लगे और दूर रहें, एक दूसरे से थोड़ी दूरी बनाए रखें। मैं तो सभी लोगों से अपील करता हूं, इसमें सहयोग जरूर करें। अगर आपको विशेष कार्य से बाहर जाना है या किसी कार्य से निकलना है तो मास्क पहनकर जरूर निकलें, ये मैं सभी लोगों से अपील करता हूं। मीडिया के माध्यम से इसमें सभी लोग एक दूसरे का सहयोग करते रहें, बहुत बहुत सबका आभारी हूँ। यही के साथ मैं सबको यही अपील करता हूँ, इसमें सहयोग जरूर करते रहें।